प्रेम हो। मैंने जय माता दी। आज हम लोग जाने वैष्णो देवी माता जी के मंदिर, और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर पे आए हैं। और मेरे तो गाइस हम लोग स्टेशन पे वहाँ पे आ गए हैं, और जस्ट सामने पे यहाँ से डायरेक्टली कटरा के लिए निकल रहे हैं बस में, और फिर वहीं जाके रूम लेंगे, फिर वहीं जाके चेंज वगैरह होंगे और वहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है, और मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप आई अच्छी। आगे जस्ट स्वीट मार्केट है, यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ मिलता है, तो इस वाले मार्केट में एंट्री करेंगे और यहीं से हम लोग बस भी लेंगे। और मैंने अपने हाथ में जय माता दी वाला नाम भी लिखा है और मेहंदी भी लगाई है। और इस साइड को पार्किंग वाला एरिया कहाँ पे, और यहाँ पे ना खाना बहुत अच्छा बनता है, बट हम लोग यहाँ नहीं खाएंगे, हम लोग डायरेक्टली जे एंड के में खाएंगे। कैसा लग रहा है तुझे यहाँ आके भैया, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बस स्टेशन गए, और इसके जस्ट सामने पे जेएनके पुलिस स्टेशन है, और यहीं से कटरा के लिए बसें जाते हैं, और जगह और जगह के लिए बसें जाती हैं। दूसरा बस स्टेशन और जगह के लिए बस स्टेशन है। हाँ बस मैंने आज ही देखी है गाइज, आप लोग देखो गाइज 9:40 होते हैं और अभी भी बस स्टार्ट होगी हमारी कटरा के लिए। 85 मिनट पर पर्सन था, तो बता दूँ मैं वहाँ जाके कितने ही बजे पहुँचते हैं घर पे, मतलब कितने घंटे लगते हैं, तो एक घंटे का देखते हैं हमने यूट्यूब पे, तो आगे को मैं बताऊँगी। और ये मिनी बस है, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं और पहाड़ में इतनी बर्फ हो रही है और टनल के अंदर से जाने वाले हैं अभी हम लोग। और ये देखो गाइस बादल भी आए हैं और टनल दिख रहा है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसे मेट्रो में भी होते हैं, टनल के अंदर ही होते हैं मेट्रो, कहीं 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 पे क्या बहुत जगह पे दिल्ली में। टनल से बाहर निकल गए, जो यहाँ के पत्थर है ना वो पत्थर मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बालू, पता नहीं ऐसे टाइप के लग रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाला रास्ता दिखने लग गया, अर्धकुमारी दिख रहे हैं यहाँ से। और कटरा पहुँचने से पहले ना सारी बॉयज की चेकिंग होती है, मतलब बस में जितने भी बॉयज हैं ना वो सारे नीचे होते हैं, और उनकी चेकिंग करी पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने अभी दिखाऊंगी डांस करी खिलाती धूप, और वैष्णो देवी मंदिर जाने का रास्ता सुकून इसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग देखो ऐसे दौड़ के आ रहे हैं ताकि इसमें से जो भी उतरेंगे उनसे ये मतलब वो जो भी होता है किराया बताया, पता नहीं क्या होता है, अभी पता बताऊंगी आप लोगों को। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटरा, और यहाँ से ना हम लोगों को माता रानी के मंदिर जाने का रास्ता भी दिखने लग गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी फैमिली, जय माता दी, जैसे क्या हो रहा है। और ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आने वक्त करूँगी मैं शॉपिंग अंदर हमारा होटल, तो देखते हैं कैसा है करके। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग घर पे आए, तो हम लोगों ने एंटर कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे एक रूम ले लिया है कि भैया के वहाँ पे आप लोग भी आ सकते हो यहाँ। और ये वाला सूट पहना है मैंने, इसका ना गला बहुत प्यारा है, तो आपको गला बाद में दिखाऊंगी मैं, गला कुछ इस टाइप का ही है। और साड़ी भी लेके आई थी मैं, बट बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ, देखती हूँ धूप भी आई अच्छी। और ये दो नौजवान यहाँ पे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आके दोनों को, कैसा लग रहा है? तो गाइस अभी हम लोग आ रखे हैं दिल्ली ढाबा में, जे एन के में हमें दिल्ली ढाबा देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ प्योर वेज खाना मिलता है, और सब्जी वगैरह पनीर वगैरह वगैरह किसी भी चीज़ में प्याज वगैरह कुछ भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ खाना वाना खा के मंदिर में जाते हैं कभी। और मैंने मेकअप कर लिया आज, थोड़ा सा मैंने मेकअप किया मंदिर जाने में, मैं रील बनाऊंगी। और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, कैसा लग रहा है अब मैं इन लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरा भाई, ये तुझे नींद आ रही है, और ये दीदी कैसा लग रहा है इधर आके, कैसा लग रहा है? हमारा खाना आ गया यहाँ पे, और एक फुल सब्जी है इसमें, इतनी छोटी प्लेट में दिल्ली ढाबा।
और एक फुल पनीर है इसमें, कढ़ाई पनीर है। तो इतना इतनी कम क्वांटिटी है इसकी, देख सकते हैं। नान मंगाया इसके साथ, कैसा हो रहा है टेस्ट? मशहूर है लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं भी टेस्ट कर लेती हूं। मैं सब्जी के साथ खाने में पनीर मुझे पसंद है। गाइस ये चौराहा है यहाँ का, और यहीं से ऊपर को रास्ता है मंदिर जाने का, और अभी हम लोग इस साइड को आए हैं। मैंने दो स्टॉल ले रखे। तो गाइस हम लोग अभी रूम से आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। जय माता दी। मेरे से फोन गिर गया है यहाँ पे। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे यात्रा पर्ची ले रहे हैं, तो साइड से यहाँ से लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पे फोटो भी खींच रहे हैं और आधार कार्ड लिंक करके हमें ये मिलेगा यात्रा पास। ऊपर यात्रा पास में रखेगा इरियन को, और सर ने अपना डाल दिया। हैंडसम मदनू। ये भी अपना पास लेके आ गया है, आधार कार्ड जांचने का लास्ट में। दोबारा से शादी कर दिए गाइस, अभी यात्रा पास डाल दिया, यहाँ आ गई है। तो गाइस अभी हम लोग ने पास वगैरह ले लिया, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गाड़ी में आ रहा हूं और ऊपर से जाएंगे। तो ये यहाँ पे जय माता दी वाला बात दिया। तो गाइस अभी हम लोग चले गए हैं 210 में ऑटो बुकिंग कर रखी है, और हम लोगों ने ये भी ले लिया है, और दीदी ने तो सर में भी बात दिया जय माता दी वाला। अभी हम लोग बांटेंगे, घर आने वक्त लोग यहाँ पे बांट देते हैं, आप लोग देख सकते हो ये बाढ़। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो में बाणगंगा तक, और जैसे हल्द्वानी में क्या होता है ना, और आगे इस साइड भी लोगों को बैठाते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, तीन लोग यहाँ पे और एक ऐसे साइड में बैठते हैं, तो ऐसे और ऐसे एल शेप में वो बैठने की सीट है। तो अभी आगे जाके मिलते हैं आप लोगों को। लोग जा रहे हैं माता जी के द्वार पे, और हम लोगों ने एंट्री गेट पे एंट्री कर लिया। यहाँ से जाना है साइड के रास्ते से, और स्टार्ट हो रहा है अभी सर में ये बात है। और यहाँ से हम लोग लाठी भी लेके आ रहे हैं गाइज, दो लाठी लेके आ रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग बाणगंगा से स्टार्ट कर रहे हैं, रोड से ही स्टार्टिंग है, और हमें बहुत टॉप पे जाना है। आप लोगों को रास्ता दिख रहा होगा, हम लोगों ने लाठी भी ले ली है, एक लाठी भैया ने पकड़ी है, तो अभी आगे से दीदी पकड़ेगी। और आप लोग ना हॉर्स राइड भी कर सकते हो, सॉरी मतलब हॉर्स में भी जा सकते हो, घोड़ी वाली सवारी कर सकते हो। इसके लिए है चेकिंग होता है बॉयज का यहाँ से जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए काफी अच्छी चीज है, तो शायद हमारा भी चेकिंग होगा। मेरा सामान से मेरा सैनिटाइज, और यहाँ के बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। मेरे पति देव लोग और भाई लोग वहाँ पे चले गए, दीदी यहाँ पे। मेट्रो वाला सिस्टम है गाइज, हमारा बैग आएगा एक, ये आ गया हमारा बैग, अब यहाँ से जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लोग कर रहे हैं 3:48 से स्टार्ट, तो वहाँ पे कितने बजे पहुँचेंगे ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तीर मारा था और यहाँ हनुमान जी ने यहाँ पे पानी पिया था।